So we are going to फूलों की घाटी guys and we'll show you अनन्य प्रकार के फूल. High five कर दो, high five कर दो. हेलो नमस्ते एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीबॉडी. मेरा नाम है हिमानी एंड आपको इस वीडियो में मैं लेकर चलने वाली हूँ अपने साथ उत्तराखंड का द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैक विच इज़ वैली ऑफ फ्लावर. एंड आज हमारा पहला दिन, हमने ट्रैक शुरू करना है. तो यार वी आर ऑल सेट ऑलरेडी. मैं कुछ 10-11 लोगों के साथ इस ट्रैक पे हूँ और यस चलिए शुरू करते हैं. ओके एवरीबॉडी, सो अभी हम पहुंच गए हैं गोविंद घाट. अभी यहाँ से यहाँ तक हम अपनी ट्रैवलर में आए थे. अब इसके बाद वी आर गोइंग टू बी टेकिंग लोकल टैक्सी और हम उसमें अब जाने वाले हैं यहाँ से पुलना तक, जिसकी डिस्टेंस जो है टोटल जोशीमल से पुलना का 20 किलोमीटर्स का है. तो उसमें आधा गोविंद घाट तक गाड़ी आती है ट्रैवलर. अब छोटी गाड़ी में जाएंगे लाइक ट्रैकर टाइप की. तो या अभी सामान फिर से गाड़ी से निकालेंगे. मैं तो ये छोटा वाला मेरा बैकपैक कैरी कर रही हूँ. एंड यस एंड हियर इज एवरीबॉडी. हेलो मिस्टर साहिल. हेलो. ओके एवरीबॉडी, सो हम पहुंच गए हैं पुलना और यहां से फाइनली जो है वो ट्रैक स्टार्ट होने वाला है. और आप देख सकते हो चारों तरफ भीड़ी भीड़ है. यहाँ से आप अपने लिए, अगर इफ़ यू वांट टू गिव योर बैग टू पिट्ठू और समबड़ी, तो आप दे सकते हो. यहाँ से घांगरा तक का 500 रुपीज़ लेते हैं एंड म्यूल्स भी है वहाँ पर. अगर आप ज़्यादा लोग हो तो यू कैन गिव योर बैग्स टू देम. एंड इस तरीके से आपके बैग्स जो हैं वो म्यूल्स के सहारे पहुँच जाएंगे. That's the another trip with Himani. You already see me on her vlogs. Udaipur. Time to time. Udaipur was the blockbuster legend. One. Legend. Was the legend one. And also on then Ran Utsav. Then on the Gujarat. Haan, Gujarat. Ran ke rang. Ran ke rang. रण के रंग. अभी हम फूलों की घाटी जा रहे हैं. सो वी आर गोइंग टू फूलों की घाटी गाइस एंड वी विल शो यू अनन्य प्रकार के फूल. अनन्य अनन्य होता है. अनन्य नहीं होता है भाई, विभिन्न प्रकार के. अनन्य यू नो अनन्य विभिन्न. हाँ विभिन्न प्रकार के. विभिन्न प्रकार के फूल वी विल शो यू. विभिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के फूल. रहीमा ने संसार में भांति भांति के लोग. ने 5 किलोमीटर चल लिया है मैडम. मैडम ये मैडम के इमेजिनेशन इनके अलग ही चल रहे हैं. यही से फूलों की घाटी है ना. भैया के पास फ्रूट्स भी हैं. तो गाइस अभी हमने कुछ अराउंड 2.5-3 किलोमीटर किया है. बीच बीच में ट्रैक में लाइक बहुत सारी चीज़ें होती है. एक तो पानी थोड़ा थोड़ा पीते हुए चलो. सेकंड थिंग कुछ कुछ ऐसे च्यू करते हुए चलो, या प्रोटीन बार्स हो गया या फिर कोई नट्स हो गए, चॉकलेट, वॉट एवर. अभी हमने नारियल लिया था कोकोनट, तो वो मैं खा रही हूँ. हम यहाँ से दो ढाई किलोमीटर के बाद रुकेंगे लंच के लिए. लंच ब्रेक होगा हमारा, वहाँ पर बैठ के लंच करेंगे एंड देन विल मूव अहेड. हाई फाइव कर दो, हाई फाइव कर दो. देख रही है. बाय बाय खत्म हो गया बच्चे. ओके एवरीबॉडी, सो अभी हम बस फाइनली ब्रेक लेने वाले हैं. फर्स्ट वैसे हमने ऐसे छोटे छोटे ब्रेक लिए रास्ते में चलते चलते, कि हम थोड़ा रुक जा रहे थे फिर हम चल रहे थे वैसे. बट अभी हम प्रॉपर लंच के लिए ब्रेक लेने वाले हैं. टाइम जो है वो अराउंड 12:30 और 1 अराउंड हो रहा है. अब हम यहाँ पे पुल है मतलब रिवर साइड के पास कहीं पे लंच के लिए ब्रेक लेंगे. लंच करेंगे उसके बाद फिर अगेन विल मूव अहेड. तो मेरे ख्याल से 4 किलोमीटर्स और रह जाएगा इसके बाद. अभी हमने कुछ 5 किलोमीटर जितना कर लिया है. देख नहीं सकता क्योंकि वो होते हैं बोर पहले तो बाहर निकल जाएंगे उसके साथ लगे हुए उसको लेकर. हाँ भागा 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 भागा. घांगरिया 4 किलोमीटर्स चल अंचल ने
तो गाइस अब हम यहाँ पे बैठ के लंच करने वाले हैं। Guys, look at my हालत। I'm seriously like sweating a lot. Also at the same time, हालत हो गई है बैंड, क्योंकि ये बैग उठा के चलना इट्स नॉट एट ऑल एन ईजी टास्क। इतना भारी है ना मेरा ये बैग, मतलब 4-5 kg का होगा, बट ये स्टीप जो चढ़ाई है ना उस पर चढ़ने में बैंड बज रही है बैंड। बट यार धीरे धीरे करके हम बेबी स्टेप्स लेके चल रहे हैं। अब देखो एक बार स्टीफनेस देखो, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी, इट्स वेरी स्टीफ। लाइक नीचे रास्ता ऐसे गया हुआ है, फिर ऊपर आया है, अभी यहाँ से फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर चलना है हमें। अभी हमारा और 2-2.5 kilometers अभी भी और रह जाता है घांगरिया। चलो वैली ऑफ फ्लावर ट्रैक फूलों की घाटी, और हम आ चुके हैं एंट्रेंस चेक पोस्ट पे। एक्चुअली हेमकुंड के लिए जब हम जिस रास्ते से गए थे कल वही रास्ता है, बट थोड़ा सा थोड़ी देर चलने के बाद आपको एक रास्ता कटता है, वहाँ पे चेक पोस्ट है, तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ से आप वैली ऑफ फ्लावर के लिए ट्रैक स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस है 4 kilometers का, और हम आज ये करने वाले हैं, होप फॉर द बेस्ट कि कल की इतनी हेमकुंड साहिब का जो ट्रैक था वो कुछ ज़्यादा ही स्टीप था, तो हमको थोड़ी एनर्जी मिल गई, हम प्रिपेयर्ड है अब, सो होपफुली अच्छा जाएगा। Already all set, everybody is here and we are going to start this trek. I am super excited to see Phoolon Ki Ghati. अब मैं सबसे पूछूंगी कि कौन कितना excited है। Excited है आप? मैं तो बहुत ही excited हूँ। सबसे आगे चलते हैं, हमारे ट्रैक लीडर से भी आगे चलते हैं सर। एंड ही इज आवर ट्रैक लीडर। आपका नाम बता दो। सूरज पासवान। सूरज जी, तो हम लोग कर लेंगे अच्छे से, पूरा एंड तक जाएंगे। चलो ठीक है, ओके। एंड हु इज देयर, और कौन है ये, वो देखो सलमान खान उधर फोटो लेते हो। एंड हियर इज साहिल, हाउ एक्साइटेड आर यू? आई एम एक्साइटेड फॉर, नो यू आर नॉट लुकिंग एक्साइटेड, बिकॉज एक्साइटमेंट, लुक एक्साइटेड, यस, ओके, सो एक्साइटमेंट लेवल विल बी कमिंग वंस वी आर रीचिंग ओवर देयर एट द वैली, सो आई वांट टू सी द ब्लू पॉपी फ्लावर्स ओवर देयर, आई विश द प्रिस्टीन पुष्पावती रिवर, सो या आई एम डैम एक्साइटेड फॉर वैली एंड आई होप दिस ट्रैक गोना बी वेरी अमेजिंग। और बाकी सारे जवान भी आ चुके हैं हमारे, ये रहे 1 2 से। हाय गाइस फॉर माय व्लॉग, नाम बताओ अपना। मैं रोहित। चित्रांशी। हाय मैं वंश। आप लोग कितने एक्साइटेड हो वैली ऑफ फ्लावर के लिए? तो काफी हैं, पर बहुत ज्यादा, कितना हम स्टार्टिंग में थक गए, अभी हम चल रहे हैं। कल इतना करने के बाद फिर आज हिम्मत आ गई, स्टिल हम लोग आए हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं ऊपर पहुंचने की। अच्छा वंश, अपना कल एक्सपीरियंस बताओ, तुम तेज चले थे तो क्या हुआ था? बताने लायक जो लोग नए हैं, जो आ रहे हैं, जो हाँ उनके लिए बताओ ना, ऑक्सीजन एकदम चली जाती है। 74 पे आ गया था लिटरली, मैं 90 पे जहाँ पे रहता था, अब 74 पे आ गया था, फूल ही थी, रात भर सांस फूली है, तो आराम से, क्योंकि तुम जल्दी जल्दी आए। एग्जैक्टली, दौड़ के आए, गलत किया, दैट्स रॉन्ग, दौड़ के नहीं आना है, आराम आराम से आना, चढ़ना भी आराम से, उतरना भी आराम से। और ये हमारी बुलेट रानी आ रही है, सबसे धीरे से आती है और सबसे आगे भाग जाती है। मैं दो बार गई वापस। नहीं, आप कुछ टिप देना चाहेंगे हमारे अपकमिंग जो लोग यहाँ पे आने वाले ट्रैक के लिए, उनको? बहुत स्लो चलो, मेरे जैसे बुलेट मत बनो। और ये है रोहित जी, से हाय। और ये है काजल, हमारी सेकेंड ट्रैक लीडर। और ये है निधि। सो एवरीबडी इज हियर, आई थिंक तीन लोग और बचे ना, आ रहे हैं। चलो ठीक है,
Yes, guys. And guys, we started our trek. अभी से इतना हरा भरा और इतना सुंदर सुंदर लग रहा है. सर बहुत बहुत सीधे बच्चे हैं सब. ये तो ले जा सकते हैं ना, ये GoPro अफीम भी है. So we have read on 30th number. It is Bistrota Afims. मैं तो यहीं बैठ जाऊंगा 30 नंबर के पास. Bistrota Afims. अपने 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 फूल ले लो. अच्छा वहाँ पे किलोमीटर जितना अभी कर लिया है और अभी पूरा स्टीप ही चल रहा है. मतलब मुझे लगता है 2 किलोमीटर कंप्लीट नहीं हुआ होगा अभी. बहुत ही स्टीप है, पूरे पथरीले रास्ते हैं. एंड फोटोज वीडियोज के लिए रुक रहे हैं. आई एम वेटिंग टू एंटर द वैली. थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल गई है साथ में, अच्छी बात है. क्लियर हो गया वेदर फोटोग्राफी के लिए, ग्रेट. Finally made it to Valley of Flower Phoolon Ki Ghati. Yay! Enter कर गए हम. Oh wow, ये लोग भी आ गए. हमने वहाँ से देखा वैली दिखने लगी. मैंने बोला आंचल को, आंचल अब तू आ, मैं स्पीड पकड़ रही हूँ. रुक जा, लेंगे. हमने हमारा लंच कर लिया और लंच करने के बाद वी आर गोइंग टूवर्ड्स लाइक थोड़ा सा ऐसे नीचे जा रहे हैं हम वैली में, जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स भी हैं और अच्छी अच्छी तस्वीरें भी लेंगे, कुछ वीडियोस भी बनाएंगे. जी तो हम फाइनली 80% हमने डाउन कर लिया है वैली ऑफ फ्लावर ट्रैक का. और बीच में मुझे थोड़ा सा जो है वो नौजिया सा लग रहा था, तो मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं किया उस टाइम पे. बट या इट इज़ नॉट दैट ईजी, इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट ऑल्सो, इट्स अ मॉडरेट ट्रैक. बट बीच में पथरीले रास्ते बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से क्या होता है ना कि पैरों पर एकदम से स्ट्रेस आता है, तो पैर ज़्यादा दर्द करते हैं. और अभी वही हो रहा है, और 2 दिन से कंटिन्यूस ट्रैक कर रहे हैं इसलिए थोड़ा ज़्यादा हो रहा है. But yeah, we made it. We did it.